श्रुति एंड वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल बॉन्ग अनस्क्रिप्टेड। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही सिंपल सा मेकअप लुक। ये बहुत ही अफोर्डेबल भी है और आप में से कोई भी जो कॉलेज जाती हो रेगुलर और रेगुलर किसी काम के लिए बाहर जाती हो वो इजीली ये मेकअप लुक क्रिएट कर सकती हो। एज यू कैन सी ये बहुत ही सिंपल सा मेकअप लुक है। ये मेकअप लुक एकदम अफोर्डेबल भी है और इजीली घर पे आप ये मेकअप लुक क्रिएट कर सकती हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हो क्या कर रहे हो गाइस, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम बॉम अनस्क्रिप्टेड। तो फर्दर वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय गाइस, एज यू कैन सी मैंने मुख पे कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई नहीं किए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरी फेस को मॉइस्चराइज कर लूँगी ये पॉन्ड्स की मॉइस्चराइजर से। जैसे कि सर्दियों का मौसम आ रहा है और विंटर सीजन में हमारा स्किन बहुत ही रूखा सूखा पड़ जाता है, तो इसीलिए मॉइस्चराइजेशन मस्ट। फिर मैंने अप्लाई कर लूँगी सनस्क्रीन। वीडियो पे मैं अप्लाई कर रही हूँ मेरा ऑल टाइम फेवरेट लैक्मे एब्सोल्यूट का सनस्क्रीन। आप कोई भी सनस्क्रीन अप्लाई कर सकती हो पर उसमें ज़रूर अच्छी खासी वाला SPF वैल्यू होनी चाहिए। एक डे टाइम मेकअप लुक के लिए सनस्क्रीन यूज़ करना ज़रूरी। सनस्क्रीन को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेने के थोड़ी देर बाद मैं मेरी फेस पे यूज़ कर रही हूँ प्राइमर। प्राइमर क्रिएट्स ए परफेक्ट बेस। मैंने मेरे फेस पे अप्लाई किए कॉन्सीलर। कॉन्सीलर के लिए मैंने अप्लाई किए मेबलिन का कॉन्सीलर। तो कॉन्सीलर को थोड़ी थोड़ी करके मेरे फेस पर जहाँ भी डार्क पैचेस है, डार्क सर्कल है, अनइवन स्किन टोन है, वहाँ पर मैंने अप्लाई कर दी है। फिर मेरे फिंगर की हेल्प से वो थोड़ी थोड़ी करके मेरे स्किन के ऊपर ब्लेंड कर ली है। फिर मैंने एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर लेकर रेस्ट कंसीलर को मेरे फेस पर अच्छे से ब्लेंड कर दी है। फिर मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर लेकर जहाँ जहाँ पर मैंने कंसीलर अप्लाई की है वहाँ वहाँ पर मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर को यूज़ कर दिए। कॉम्पैक्ट पाउडर के लिए मैं यहाँ पर यूज़ की है Ely 18 का कॉम्पैक्ट पाउडर। एक ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं एक इस कॉम्पैक्ट पाउडर को थोड़ी थोड़ी करके मेरी फेस पर अप्लाई की है। अब आपके हिसाब से कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकती हो। मैंने मेरे आईब्रो को फिल कर लूँगी। आईब्रो को फिल करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की आईब्रो पेंसिल। इस आईब्रो पेंसिल बहुत ही नेचुरल सा लुक देता है पर मेरे आईब्रो पर वैकेंट है वहाँ वहाँ मैं आईब्रो फिल कर लेती हूँ। बहुत ही हल्के हाथों से आप आपकी आईब्रो फिल करें। मैंने अप्लाई करूँगी आई शैडो। एक नेचुरल सा लुक देने के लिए मैंने इस स्विस ब्यूटी का अल्टीमेट पैलेट से ये पीच कलर का आई शैडो लेकर मेरे अपर आईलिड पर अप्लाई कर लेती हूँ। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ काजल। काजल के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ Ely 18 का आई ड्रामा काजल। वो मेरी लोअर वाटर लाइन पर यूज़ करके छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश का हेल्प से मैं वो काजल जस्ट थोड़ी थोड़ी करके मैच कर लेती हूँ एक नेचुरल सा लुक लाने के लिए। फिर मैंने मेरे आई लैस को कर्ल कर लूँगी मेरा वेगा की आई लैस कर्लर से। ये स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर मैंने यूज़ कर रही हूँ मस्कारा। मस्कारा के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ मेवलिन का कॉलोसल मस्कारा। ये मस्कारा मेरी आई लैस को बहुत ही एक अच्छा खासा वॉल्यूम वाला लुक देती है। मैंने सेम आई शैडो पैलेट से सेम कलर लेकर जस्ट थोड़ी थोड़ी करके मेरी एपल ऑफ चीक्स पर अप्लाई कर रही हूँ। मैं ज़्यादा ब्लास्ट यहाँ नहीं अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि ये एक डे टाइम नेचुरल मेकअप लुक है। तो जस्ट थोड़ी सी ब्लास्ट मैं मेरी मुँह पर अप्लाई कर रही हूँ एक नेचुरल लुक के लिए। आप चाहे तो ये ब्लास्ट वाला स्टेप स्किप कर सकती हैं। सारे प्रोडक्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, आप जरूर चेकआउट कर ले। एक लाइट ब्लास्ट आपके लुक को बहुत ही नेचुरल सा बना देती है। फिर मेरा मेकअप कंप्लीट है। फिर मैंने मेरे मेकअप को सेट कर लेती हूँ स्विस ब्यूटी का मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ करके। जब भी आप मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ करें, यूज़ करने से पहले आपकी फेस से थोड़ी दूरी बनाकर रखें और आपकी आंखें अच्छी तरह से बंद कर लें। फिर मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ करने के बाद जरा थोड़ा टाइम दें इसको ड्राई होने के लिए। फिर एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर लेकर इसको डैब डैब करके एक्सेस एब्जॉर्ब कर लीजिए। फिर मैंने यूज़ करूँगी लिपस्टिक। लिपस्टिक यूज़ करने से पहले मैं एक लिप लाइनर लेकर मेरा लिप के एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ।
फिर मैंने उस सेम लिप लाइनर को यूज़ करके मेरी होठों के जो कॉर्नर है उस कॉर्नर को थोड़ा सा फिल कर लेती हूँ। अब जब भी कोई लिप लाइनर यूज़ करे तो उस सेम लिप लाइनर से आपकी होठों को कॉर्नर को थोड़ा सा फिल कर ले। फिर मैंने लैक्मे की इस लिक्विड लिपस्टिक को लेकर मेरी होंठ फिल कर लेती हूँ। मेरा मेकअप डन है। फिर मैंने मेरी लुक को कंप्लीट करूंगी एक बिंदी से और झुमका से। कैसा लगा आपको आज का वीडियो, प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए। और अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत ही अच्छी लगी तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। सो आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसे कि मैं बंगाली हूँ, मेरी हिंदी आपके जैसा बहुत ही अच्छे नहीं है, कोई गलती हो तो प्लीज माफ कर दीजिए। सो फिर मिलते हैं, टाटा।